काश काश एक छोटा सा शब्द है, पर इसके पीछे कितना दुख, कितना दर्द, कितना रिग्रेट छुपा हुआ है कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग एज में थोड़े बड़े हैं, आपने अक्सर उनसे ये सब सुना होगा, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने उसको उसी वक्त बोल दिया होता, मैंने उससे माफ़ी मांग ली होती, मैंने उसको बोल दिया होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैंने अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा कर लिया होता, मैंने अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ा होता, मैंने अपना खुद का बिजनेस बनाया होता, मैंने अपना फ्यूचर अपने टैलेंट पे बनाया होता, काश। तो ये जो यंग लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़ा सवाल है कि आपको भी फ्यूचर में इनकी तरह रिग्रेट्स के साथ जीना है, काश में जीना है, या अभी अपने सारे सपने पूरे करके फ्यूचर में बिना किसी रिग्रेट्स के, बिना किसी बोझ के पूरे आजादी से जिंदगी जीनी है। और जो लोग इस काश की दुनिया में रहते हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है, अब मर गए हो क्या? हाथ पैर नहीं चल रहे, क्या प्रॉब्लम है? क्या इन आंखों में भी पुराना सपना नहीं झलकता क्या? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक्सक्यूज देके उस चीज से भाग रहे हो जो तुम्हें दिल से करनी है? क्यों, क्या ऐसा? ये खुद से पूछना जरूर। और ये काश क्या होता है? इल्यूजन है। अगर कुछ भी होता है तो वो आज है, अभी है, ये मोमेंट है, ये पल है जो एकदम नया है, फ्रेश है, बिना किसी फ्यूचर या पास्ट के, टाइम से परे, बस है, अभी है। ऐसा क्या है जो इस पल में नहीं किया जा सकता? और इस पल की खूबसूरती आपको समझ आ जाए, अहमियत समझ आ जाए, तो फिर दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आज में नहीं किया जा सकता, जो अभी नहीं किया जा सकता। सब कुछ पॉसिबल है, और अगर आप इस पल में जीना सीख जाओ तो इस पल में यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिवर्स लाखों बार बन रहा है, लाखों बार मिट रहा है, नदियाँ बह रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, सारे प्रोसेस एकदम सही तरह से हो रहे हैं ताकि आपके लिए ये पल क्रिएट किया जा सके और आप इसमें जी सको, सांस ले सको, और आप इसी पल को काश में जाने दे रहे हो। आप अपने डेथ बेड पे लेटे हुए होगे और आपकी आंखों में, आपके दिल में एक ही रिग्रेट चुभ रहा होगा, वो होगा काश का रिग्रेट, काश काश। क्या आपको भी अपने डेथ बेड पे रिग्रेट लेके मरना है, या फिर अभी इस काश को छोड़ करके इस आज में, इस पल में, जहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, जहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, वहाँ पे अपने सारे सपने पूरे करके अपने डेथ बेड पे, अपने चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेके मौत को एकदम प्यार से गले लगाना है। दोस्तों, इस पेज पे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और भी आते रहेंगे, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाइए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके जाइए।